कि जितने भी आईएएस अभी बैठे हुए हैं उन्हें फिर से पुनः परीक्षा लिया जाए, देख लिया जाए कि कितने लोग पास करेंगे और कितने लोग फेल करेंगे। आप लोग परीक्षा नहीं देना चाहते? नहीं, परीक्षा नहीं देना चाहते। कैसा परीक्षा, किससे परीक्षा? चूंकि हम लोग का उम्र अब जो है सो कोई दादा कोई नाना सब बन चुका है, जो शिक्षा मंत्री का पद है किन्हीं मंत्री को दिया जाए। झारखंड में 62,000 पारा शिक्षक हैं, जिसमें से लगभग 14,000 टेट पास पारा शिक्षक है, जिन्हें सहायक अध्यापक का नाम दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अब ये जो सहायक अध्यापक है अपने समायोजन की मांग कर रहे हैं कि इन 26,001 नियुक्तियों में इन्हें भी शामिल किया जाए। और आज ये राजधानी रांची के नीलांबर पीताम्बर पार्क में जमा हुए हैं और समीक्षा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा जाए। और यहाँ पर जमा हुए हैं और सोच विचार करने के बाद क्या कुछ इन्होंने निर्णय लिया है, हम इस विषय में बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए, आज आप लोगों ने विचार विमर्श किया, विभिन्न जिलों से आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ बात हुई? देखिए, हम लोग अभी प्रदेश के जितने भी नेतृत्वकर्ता लोग हैं सारे लोग, हम लोग अभी निर्णय नहीं ले पाए हैं, निर्णय चल ही रहा है और हम लोग आने वाला समय में उग्र आंदोलन की घोषणा निश्चित रूप से होगी। और आपके माध्यम से मैं सरकार तक यह आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जो शिक्षा विभाग अपने पास रखे हुए हैं वह जल्द से जल्द किन्हीं को मंत्री बना करके या जो मंत्री हैं उनको प्रभार दिया जाए, ताकि शिक्षा विभाग का जो स्थिति है वह सुधर सके। अन्यथा की स्थिति में और बदतर स्थिति होती जा रही है, चूँकि शिक्षा विभाग के जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षक कर्मी लोग हैं वह मुख्यमंत्री तक अपनी जो दुखड़ा है वह पहुँचाना संभव नहीं लग रहा और उनसे मिलना भी संभव नहीं है, वो किन्हीं से मिलते भी नहीं हैं। जितना भी सहायक अध्यापक हैं लगभग 3 वर्षों से 4 वर्षों तक अभी हो चला सरकार को, आज तक एक प्रतिनिधि मंडल का ठीक ढंग से वार्ता मुख्यमंत्री के बीच में नहीं हो पाई है। उन्होंने अपने चुनावी सभा में, सैकड़ों चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो सहायक अध्यापकों को मैं 3 महीना के अंदर में वेतन मान दूंगा, लेकिन 4 वर्ष बीतने को है, आज तक उन्होंने इसकी सुगबुगाहट भी शुरू नहीं की है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह हम लोगों की बात निश्चित रूप से सुनते थे और उस पर पहल करने का प्रयास करते थे। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से पुनः एक बार बोलेंगे कि जो शिक्षा मंत्री का पद है किन्हीं मंत्री को दिया जाए, ताकि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है उनको ठीक ढंग से चलाया जा सके। और आज हम लोग यह निर्णय लेंगे कि अगर 1 सप्ताह के अंदर टेट पास सहायक अध्यापक को वेतन मान देने की प्रक्रिया नहीं चालू करते हैं तो जो अगला विधानसभा में माननीय रघुवर दास जी की जो हालत हुई वही हालत हेमंत सोरेन जी की होगी और प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक जिला में उनका विरोध किया जाएगा। और हम लोग 1 सप्ताह के बाद पुरजोर आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसका लिखित आवेदन विभाग को दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी 26,001 नियुक्ति निकली है और जेटेड पास जो सफल अभ्यर्थी हैं लगभग 50,000 की संख्या उनकी है, अगर ऐसे में आप लोग का समायोजन हो जाए 14,000 की संख्या उधर से 50,000 की संख्या, कैसे इसको आकलन कैसे करेंगे, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहार में भी माननीय नीतीश कुमार ने कहे हैं कि जो 15 से 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको परीक्षा लेना उचित नहीं होगा, मैं सीधा उनका समायोजन करूंगा। और अभी 26,001 पद की बहाली हो रही है, जिसमें से पूरे झारखंड में टेट पास हमारे 14,000 ही सहायक अध्यापक हैं।
और अपने सीट पर हमें सीधा समायोजन कर दे, यही सरकार से मांग करते हैं और यही नीति संगत है। चूंकि हम लोग का उम्र अब जो है सो कोई दादा कोई नाना सब बन चुका है, 50 वर्ष करीब है, और हम लोग को पुनः 7 से 9 घंटा का परीक्षा लेकर के हम लोग को बर्बाद करना यह सरकार का नियत है जो उचित नहीं है और उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यह सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी IAS अभी बैठे हुए हैं उन्हें फिर से पुनः परीक्षा लिया जाए, देख लिया जाए कि कितने लोग पास करेंगे और कितने लोग फेल करेंगे। इसलिए हम लोग को समायोजन अपने सीट पर 50% आरक्षण सीट पर हम लोग को सीधा समायोजन किया जाए और हमारा जो भविष्य है उसको उज्जवल किया जाए, क्योंकि आज की स्थिति में हम लोग अपने बाल बच्चे घर परिवार को पालना भी मुश्किल हो रहा है। जो जगन्नाथ महतो थे और अभी मुख्यमंत्री के पास विभाग है, उनसे बात करने में और मुख्यमंत्री से बात करने में क्या कुछ अंतर दिखते हैं? माननीय जगन्नाथ महतो जी मंत्री थे, वे एक विभाग को संभालते थे, लेकिन मुख्यमंत्री को सारा विभाग देखना पड़ता है। इसलिए अब अभी जो हमारे साथी कह रहे थे संजय जी, माननीय मुख्यमंत्री को शिक्षा के हित में, झारखंड के हित में तत्काल किसी व्यक्ति को शिक्षा विभाग देना चाहिए। ना तो वो देख पा रहे हैं ना तो कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी ज्वलंत यह समस्या है। 50% मेरा आरक्षण दिया जाता है और भारत के कोई ऐसा नहीं है राज्य जहां पे टेट पास के बाद किसी को जो है से परीक्षा लिया जाए। यही सरकार, यही व्यवस्था जो हमारे संघ 13 में लोग पास किए थे टेट, उन्हें सीधा जो है समायोजन किया गया, अस्थायी किया गया, और यह जो है से सरकार की दोरंगी जो है से नीति, जो है से परीक्षा लेने की बात करते हैं, कैसा परीक्षा, किससे परीक्षा, जब आपने जो है से टेट का परीक्षा ले लिया और टेट का मतलब ही होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक बनने के लिए वह व्यक्ति है पात्र, तो जो आपने बहाली निकाला है वह सीधे जो ऐसे समायोजन करना चाहिए या फिर कैसा परीक्षा लेने की बात करें। अगर सरकार नहीं चेती तो सरकार के गली गली में हम लोगों ने जो तबाह कर देंगे, उन्हें चलने नहीं देंगे, काला झंडा दिखाकर उनका करेंगे विरोध। इतना होता है और वे अपने घोषणा पत्र में भी बोले हैं कि मैं विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाकर और टेट पास शिक्षकों को अस्थायी करूंगा, उन्हें मैं समय देता हूं, तत्काल वे जो हैं एक अपनी रणनीति बनाकर अस्थायीकरण का घोषणा करें, न तो हम लोग जो हैं उग्र आंदोलन का आज यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और उग्र आंदोलन का घोषणा करेंगे। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री तक आप लोगों की बातें पहुंच जाएंगी, क्योंकि रघुवर दास से समय का ले लिया जाए, जब तक आप लोग जेल गए ठीक है, उसके बाद से अब का समय काफी लंबा समय बीत गया, 4 से 5 साल हो गया, अभी तक कुछ आप लोगों का निर्णय नहीं हुआ। देखिए रघुवर जी की बात तो दूर की बात हो गई, अभी माननीय हेमंत जी का शासनकाल चल रहा है और अभी हम ही लोग जो हैं मानसून सत्र के दरमियान, विधानसभा जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें अनशन धरना कार्यक्रम पर बैठे हुए थे और 4-4 विधायक जो हम लोग को वार्ता कराए, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि आप लोग पर हमारा ध्यान है, संज्ञान में है, हम आप लोग का काम करेंगे, लेकिन कब काम करेंगे? एक तरफ आप 26,000 की नियुक्ति निकालते हैं, बोलते हैं कि आपका 50% पद आरक्षित है, तो मेरा सीधा कहना है कि 26,000 में 13,000 मेरा पद है, आप मेरा सीधा समायोजन कीजिए। परीक्षा की बात जहाँ तक की बात है तो परीक्षा वहाँ पर होती है जहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, हम तो 13,000 के 13,000 है ही हैं, आपके यहाँ 50,000 वैकेंट सीट है। तो जेटेड वाले भी तो हैं, जेटेड जो पास किए 50,000 संख्या वो कहाँ जाए? ठीक है हम बोल रहे हैं, जेटेड वाले जो हैं गैर पारा हैं, हम पारा टीचर हैं, आपके विद्यालय में 20 सालों से हम सेवा देते आ रहे हैं और सारी एक्टिविटी को सरकार की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं एक कर्मचारी के लिए सारा चीज हम करते आ रहे हैं और उसके अंतर्गत ही हम NCT का मानक परीक्षा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको हमने पास किया है, 13 में भी पास किया, 16 में भी पास किया, अब दो बार जब एग्जाम पास किए उसी समय आप एग्जाम ले लिए होते, और हम तो एक स्वीकृत इकाई पर कार्यरत हैं, अगर सरकार चाहे तो हमको सहायक अध्यापक का जो यूनिट पर हम कार्यरत हैं वहां पर भी मुझे वेतनमान दे सकती है, अगर वहां पर वेतनमान नहीं दे रही है
और ये 50% पद आरक्षित की बात कर रही है तो वहां तो मेरा समायोजन हो सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, जैसे अभी प्रारंभिक विद्या से पहले भी 2012 में भी हुआ था शिक्षकों की नियुक्ति, उसके बाद भी हुआ था, उसमें आप लोग एक बार मौका नहीं दिया गया। मौका दिया गया वहां पर जो हुई थी 50% पद आरक्षण की बात, वहां पर एकेडमिक नंबर की बहाली हुई, टेट और एकेडमिक नंबर जोड़ करके, तो उसी टेट एकेडमिक नंबर जो है मेरिट, वैसी चीज को हम फुलफिल कर रहे हैं। इसी के लिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा समायोजन हो उसी के आधार पर। हमारे पक्ष में एनसीटी का जो गाइडलाइन है और शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012, उसमें कोई बगैर कोई परीक्षा के टेट और एकेडमिक मैंने मैट्रिक इंटर का नंबर, तो हम मैट्रिक इंटर नंबर पर बहाल है, टेट भी क्वालिफाई है, मेरा सीधा समायोजन होना चाहिए। अच्छा, अभी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है आप लोग के लिए कुछ है क्या, उसमें एज रिस्ट्रिक्शंस भी है क्या कुछ? एज में छूट दी गई है, तो एज तो हम आपके यहाँ गंवा दिए हैं। हमारी नियुक्ति जिस समय हुई थी 24 साल उम्र हुआ था, 22 साल उम्र हो रहा था, आज हमारी उम्र 50 साल हो गया, तो एज में रिलैक्सेशन तो मिलना मेरा स्वाभाविक चीज है। मेरा उसमें दिया गया नोटिफिकेशन में है ये, हाँ एज के लिए है लेकिन मार्क्स के लिए नहीं है। हमें मार्क्स में भी चाहिए, हमारा सीधा समायोजन होना चाहिए। एक बार आप लोग परीक्षा नहीं देना चाहते? नहीं, परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, समायोजन हो। कैसे हो, कैसे हो समायोजन, मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से आप प्रारंभिक विद्यालयों में जो सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, 1-5 में हैं, उनका प्रमोशन करके 6-8 में प्रमोट कर दिया जाता है, वो शिक्षक में प्रमोट कर दीजिए। रूल तो बना हुआ है श्रीमान, आप हमको भटकाने का काम कर रहे हैं। हम भटकने वाले नहीं हैं, हम भी शिक्षक हैं, हम भी नियम कानून की जानकारी रखते हैं, हम आपके पास डिबेट कर रहे हैं। अब बैठाइए के रवि कुमार को, आप माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री के भी प्रभार में है, आप बैठिए और हमसे वार्ता कीजिए। अगर आपका रवि कुमार आप हमसे डग जाते हैं बात में तो हम मान लेंगे आपकी बात को, और नहीं तो हमारा सीधा समायोजन हो। तो कुछ और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनका, अच्छा आप कौन से जिला से? गिरिडीह जिला से हैं। सही, अभी समायोजन की आप लोग मांग कर रहे हैं, जो 26001 नियुक्ति की बात कही गई है, तो मतलब आप लोग लगता है कि आप लोग ये मांग जो है जायज है? देखिए, हम लोग हमेशा मांग जायज मांग रखते हैं। हम लोग अर्हताधारी शिक्षक हैं, सरकार के सारी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। सरकार हमसे जो जो एग्जाम ली हमने देने से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन ये नियम होना, नियम संगत होना चाहिए। सरकार का गाइडलाइन था, सरकार का गाइडलाइन था कि हम अपनी आपके अर्हता एक शिक्षक बनने के लिए टेट पास होना चाहिए। हमने टेट पास किया और हमारे साथ भी जितने टीचर पास किए, वो 12 में जो पास किए 16 नियुक्ति 19 नियुक्ति में उनका हुआ, लेकिन जो 16 में जो टेट पास किए उनको आज भी एक मौका भी उनको नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्या नियुक्ति निमाली 2012 में मुख्य परीक्षा की बात थी? नहीं थी, ना 16 में थी। तो जब नियुक्ति निमाली में जब दोबारा परीक्षा लेने का इजाजत नहीं है, तो फिर हमसे 16 के बाद तो परीक्षा हुआ ही नहीं है। 16 के बाद तो परीक्षा हुआ नहीं है, जब 16 में हम लोग पास किए हैं तो हमें नियुक्ति में प्रक्रिया से गुजरने से हमें अभी तक क्यों रोका गया है? और सीधी नियुक्ति उस समय हो रही थी, तो आज परीक्षा की दरकार क्यों पड़ी सरकार को? अगर हम परीक्षा, देखिए सरकार की तरफ से ये कहना है कि जो जेटेट पास है, जो रघुवर दास के समय से जो जेटेट फिर से बहाल किया गया था, जेटेट पास जो 50,000 संख्या है, उनका भी यही मांग है कि उनका भी डायरेक्ट होना चाहिए नियुक्ति मेरिट लिस्ट के आधार पे, वो भी परीक्षा नहीं देना चाह रहे। लेकिन सरकार ने अभी 26001 नियुक्ति निकाली है, अब उसमें होना है। आप लोग भी समायोजन की मांग कर रहे हैं, 14,000 आप लोग की संख्या है, वैसे में जेटेट 50,000 वो लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, वो अपने सीट में रहेंगे ना। मुझे 26,000 सीट निकली बहाली, 26,000 में मेरी आरक्षण 13,000 है, तो मेरे 13,000 में हमारा समायोजन करे, शेष 13,000 में बचता है उनको अपना मेरिट के आधार पर रख लीजिए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है गैरपारक रखने में। जो नियम कहता है नियुक्ति निमाली 2012 में, नियुक्ति निमाली 12 के तहत हमको समायोजन कीजिए। मेरा ही इतनी मांग है। चलिए, तो मांग यही है कि सरकार समायोजन कर दे इनका, क्योंकि इनका जो कह सकते हैं कि काफी लंबा समय बीत चुका है और इन्हें मौका नहीं मिला है, और कई वर्ष जो है ये बच्चों को पढ़ाने में दे चुके हैं, टेट पास भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका समायोजन नहीं हुआ है। और सरकार ने जो नियुक्तियां निकाली है, ये चाह रहे हैं कि उसमें इनका समायोजन हो जाए। 26,000 नियुक्ति है और 26,000 में ये चाह रहे हैं कि उसका हाफ करके, यानी कि 50% 13,000 में इनका पूर्ण रूप से समायोजन हो जाए, और बाकी बचे 13,000 में जो अन्य अभ्यर्थी है उनका परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हो जाए। तो यही इनकी मांग है। अब सरकार को इस पर विचार विमर्श करना है कि सरकार इसको लेकर क्या सोचती है और आगे क्या कुछ करना है। न्यूज बाइस्कोप में कैमरा पर्सन कौशल के साथ।
इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।